तुम्हें मलकुल मौत वफात देता, अल्लज़ी वुक्किला बिकुम, जिसे अल्लाह ने वकील करार दिया। मलकुल मौत रूहें निकालता है, वली नहीं है वकील है। हजरत मलकुल मौत अल्लाह के वकील, अली अल्लाह का वली। बहुत गए, मेरी बात पहुंची है जाने के लिए? अब मेरे जुमले पहुंच गए। वकील में और वली में इतना फर्क है, जो वकील आ रहा है वो रूह निकाल ले। पता नहीं लोग हैं या नहीं, एक एक वक्त में कई कई लोग मर रहे हैं। एक जापान में मर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में मर रहा है, कोई अमेरिका में मर रहा है, कोई यूरोप में मर रहा है, कोई पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अफ्रीका के ममालिक में। एक मलकुल मौत, और वो जिसकी चाहे रूह निकाल ले एक लहजे में, एक आन में। कितनी जगहों पे कितने लोगों की रूहें निकाल ले। कौन है? इसे अल्लाह ने वकील करार दिया। जिसे अल्लाह वकील बनाए वो इतनों की रूहें निकाल ले। जिसे अल्लाह ने वली बनाया हो क्या वो हजारों लाखों की एक वक्त में मदद नहीं कर सकता? पहुंच गए। तवज्जो फरमा रहे थे जाने के लिए, वो एक वक्त में कितने लोगों की रूह निकाल लें वकील हो करके। तो सब मुसलमान मान लेते हैं, अबे अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह जिसे चाहे कुदरत दे दे। तो जब अल्लाह फरिश्ते को कुदरत दे सकता है, वली और इमाम को कुदरत नहीं दे सकता? पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। जिसे अल्लाह ने कहा ये मेरा वली है। अब मेरी बातें रोशन हो रही हैं? तफकीक को मैं पेश कर रहा था, पता नहीं लोग हैं या नहीं। ये तफकीक दराजात हैं अज़ीज़ाने गिरामी। ये इसी तरह से इंसानियत के दराजात हैं, हैवानियत के भी दराजात हैं। आप लोग तो परेशान हो गए। हैवानी यानी दरिंदगी। पढ़ू ये? जब तवल्ला इतने शौक से सुना है तो तबर्रा भी उतने शौक से सुना है। चलते रहिएगा। ऐसा नहीं कर रहा मैं, जो लोग परेशान हो गए मैं वादे कर दूं, दरिंदगी पेश कर रहा हूं और कुछ नहीं। वक्त नहीं है अब, बहुत गए। सलामत रहे, जीते रहे आप। भाई आप सब लोग सलामत रहे। जिस मोहब्बत से आपने मेरी मेहनत को सुना, यकीन माने मैंने पूरी बड़ी मेहनत करके अपने, मैं किसी से लेके नहीं आया, आले मोहम्मद का सदका यहाँ खैरात पेश कर रहा हूँ। तो मजमा सुनेगा। ऐसा नहीं कर रहा, मैंने कहा तफकीक है ना रंग के अंदर। याद आया मेरी बहस को? रंग गहरा भी होता है, शिद्दत गहराई कम रंग, ऐसा होता है ना, इसे इसे कहते हैं तफकीक। अदालत में भी तफकीक है। तवज्जो रहे मेरे साथ। तो जाने के रामी आइए इधर, मैं बात को मुकम्मल कर दूं। इसी तरह से जैसे इंसानियत में तफकीक है, अदालत में वैसे ही दरिंदगी में तफकीक है। बिल्ली कबूतर को खा लेती है, दरिंदा सिफत ऐसा है। मुर्गी को खा लेती है, चूजे को खा लेती है, लेकिन चीर फाड़ ऐसे नहीं करते जैसे भेड़िया। तवज्जो, भेड़िया बहुत, कुछ लोग पहुंच गए। भेड़िया कहना ना बहुत ही दरिंदा आदमी है। अरबी में सारी मिसालें जानवरों पे हैं, उर्दू में भी मिसालें दी जाती हैं। कहते ना बहुत बहादुर है, कहते शेर है। बहुत ही मक्कार है, कहते लोमड़ी है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। कहते एहसान फरामोश है, सांप है। ऐसा है या नहीं? क्या जब मौका मिलेगा डस लगा का बिच्छू है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। बहुत ही दरिंदा है, क्या भेड़िया।
इसमें ये देखें जगह जगह लफ्ज भेड़िया बहुत है, कुरान में भी आया है, हदीस में भी आया, खातून ने जन्नत ने भी फरमाया। ज़ाएब जमा है ज़ेब के, ज़ेब कहते हैं अरबी में भेड़िये को, ज़ाल हमज़ा बे ज़ेब, तवज्जो रखिएगा मेरे साथ, ज़ेब यानी तवज्जो अरबी में ज़ेब। तो जनाब खातून जन्नत ने कहा ज़ाएबुल अरब, ये जो अरब के भेड़िये तुम पे हमला आवर होते थे, तुम सब बैठे रहते थे, वो मेरे शौहर नामदार अली थे जो सारे भेड़ियों के सर तोड़ते थे। चलिएगा थोड़ी देर, थोड़ी सी देर चलिएगा तो जाने, मैं देखे नतीजे तो देना। दरिंदगी के भी मैंने कहा जैसे मराहिल है ना, दरिंदगी के भी मराहिल कुछ लोग पहुंच गए शायद। अजान गिरामी जनाबे याकूब अल सूरा यूसुफ 12वां सूरा है भी 12वां सूरा, तवज्जो वहां पे बहुत सी आयात फख्र यूसुफ की शान में है, फख्र यूसुफ है इमाम जमाना, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, तो तवज्जो सारे मजमे की तवज्जो है। तो वहां जुमला है कि जनाबे याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से फरमाया याकुल हुज़ तुम खेलते रहोगे और यूसुफ को भेड़िया खा जाएगा याकुल हुज़। अब वो कहते हैं कि इसलिए बुरे लोगों के सामने अपने वहम को भी पेश ना करो, उन्हें आइडिया मिल जाता है, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। अब बेटों को यह नहीं पता था कैसे मारे क्या करें, वापस आने के बाद वही जुमला कहा को नरक, हम लोग खेल रहे थे वह अकल हो गए उसे भेड़िया खा गया। तवज्जो सारे मजमे की तवज्जो, में नतीजा क्या देने वाला हूं, सारे मजमे की तवज्जो। तो जनाबे याकूब के बेटों ने आने के बाद कहा बाबा हम खेल रहे थे और यूसुफ को भेड़िया खा गया। खुद जनाबे याकूब ने कहा था ऐसा ना हो तुम खेलते रहो और उसे भेड़िया खा जाए। उन्होंने भी कहा कुन नस्तबे को हम खेल रहे थे दौड़ भाग कर रहे थे, पता चला ये दौड़ भाग ओहद से शुरू नहीं हुई, पता नहीं लोग पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, चले रुक जाए मैं मुकम्मल कर दूं। कहा हम खेल रहे थे और यूसुफ को भेड़िया खा गया। जनाबे याकूब ने घर से बाहर निकल के एक मरतबा आवाज दी भेड़िए को, रिवायत में भेड़िए को आवाज दी, भेड़िया आ गया, क्या तूने मेरे यूसुफ को खाया। अल्लाह ने भेड़िए को जबान दे दी, बोलने लगा आप तो नबी हैं, आपको तो पता है हम पे मासूम हराम है, मासूम का गोश हम पे हराम है, अगर मैंने खाया होता आपको पता होता। जनाबे याकूब ने कहा चला जा, हाथ जोड़ के मैं मुकम्मल का वक्त नहीं है, ये क्या वही भेड़िया था जिस पे जनाबे याकूब के बेटों ने इल्जाम लगाया था कि वो भेड़िया खा गया। नहीं, उन्होंने कहा एक भेड़िया खा गया, उन्होंने कहा मैं एक भेड़िए को बुला के पूछवा देता हूं कि भेड़िए मासूमीन को नहीं खाते, ये नबी है, तवज्जो ये यूसुफ नबी है, मासूम है, मासूम को भेड़िए नहीं खाते, तवज्जो 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 सारे मजमे की तवज्जो। भेड़िए ने कहा हम मासूम को नहीं खाते, सारे बेटों ने सुना परेशान, अब बहाना भी नहीं है, वह जाऊ बे दमिन कर दे, कुरान कहता है झूठा खून लगा के कुर्ते पे ले आए थे, झूठा खून, पता चला मासूम का खून भी अलग है। तब अभी भी मैंने मुकम्मल नहीं किया, तो उन्होंने कहा था एक भेड़िया खा गया, जनाबे याकूब ने बुला के पूछवा दिया कि भेड़िए मासूम को नहीं खाते, तवज्जो, तो फिर आपने क्यों कहा था तुम खेलते रहोगे उसे भेड़िया खा जाएगा। एक मर्तबा वो जो बाहर दरिंदा है उसे कहते हैं भेड़िया, और कई भेड़िए हमारे अंदर पल रहे हैं, तुम्हारे नफ्स का भेड़िया खा लेगा। पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए, अब मेरी बात मुकम्मल हो गई। आप सलामत, तवज्जो फरमा रहे हैं। हज़रत गिरामी कई अफराद मेरे भाई पहुंच गए हैं, मेरे तमाम भाइयों पर खुदा था सब सलामत रहे। हज़रत गिरामी कई अफराद देखने में इंसान होते हैं, अंदर भेड़िया पल रहा होता है। ऐसे बहुत से अफराद थे आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पे तजावुज जब किया तो पता चला अरे ये देखने में इंसान है,
बोलता भी अरबी है लेकिन इसके अंदर जो नफ्स है वो भेड़िया है। मेरी बातें पहुंच गए? जो लोग परेशान हो गए मुझसे, बहुत से लोगों ने बहुत से मसाइब की फरमाइश की थी इससे पहले कि मैं मसाइब शुरू करूं। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कई मर्तबा ये अल्फाज इस्तेमाल किए जो जानवरों से तशबीह दी है ना, है ना ज़हनों में। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने ख्वाब देखा है, सात मुहर्रम को उदाहरण आपने ये ख्वाब सुना या आठ मुहर्रम को, कि मैंने गुज़श्ता रात ख्वाब देखा कि मुझ पर कुत्तों ने हमला कर दिया और एक कुत्ते ने मेरी गर्दन को काटा है और उसकी ये निशानियां हैं। तो सारे अंसार ने कहा मौला ये सारी निशानियां शिमर में हैं, ये जो आपने निशानियां बताई हैं ये शिमर में हैं। तो आपने फरमाया है कि यही मेरा कातिल है, यानी मौला ये कह रहे हैं कि ये जो तुम देख रहे हो ना कि ये जो फौज आई है देखने में इंसान है, इमामत के दुश्मन की हकीकत नजसुल ऐन की है, चाहे वो इंसानी शक्ल में हो। मेरे जुमले पहुंच गए? मेरे जुमले पता नहीं पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। कई लोग इंसानी शक्ल में होते हैं लेकिन जब वो मासूमीन की दुश्मनी पे उतर आए तो उनके अंदर का कुत्ता बाहर आ जाता है, उनके अंदर का भेड़िया बाहर आ जाता है। अब वो देखने में इंसान लग रहे होते हैं लेकिन वो नजसुल ऐन जानवर के मानंद होते हैं जो मासूमीन पे हमला करे। मेरे शायद जुमले पहुंच रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अज़ीज़ जाने के रामी, बहुत से बातें मैं मुकम्मल नहीं कर पाया इस अशरे के दौरान, ये अगले बरस अगर इंशाल्लाह मौका मिला दोबारा, मुझे दावत तो है यानी तो जिंदगी मौत का कुछ नहीं मालूम होता, मैं पेश करूँगा कि बस ये जुमले जो पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में, मुझसे बहुत से लोगों ने फरमाइशात की हैं, बहुत से मसाइब की, मैं सारे मसाइब नहीं पढ़ पाऊँगा आज, सिर्फ जनाब सैयदुश्शहदा से मुतालिक बस एक रिवायत सुन लीजिए कि मौला ने जब देखा था ना अशकिया को तो आपने खुद फरमाया कैसे कैसे जानवर हैं। मौला हुसैन अली के बेटे हैं, उन्हें परवाह नहीं थी कौन सा जानवर मेरा गला काटे, कौन सा मेरी उंगली काटे, कौन सा सीने में बर्छी मारे, कौन सा मेरी पेशानी पे पत्थर मारे, मौला जानते थे। लेकिन मौला को दुख इस बात का था इन्हीं में से कोई अली अकबर के बर्छी मारेगा, कोई अली असगर के तीर मारेगा। भाई 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा, रोने में रोने में बुखल ना कीजिएगा। आज मुझसे दरख्वास्त की बहुत से नौजवानों ने कि अगर ये हो सके तो आपसे, हमने ये रिवायत सुनी है ऑनलाइन, हम सुनना चाहते हैं कि आप इसे पढ़ दीजिए। मैं आम तौर से सफर के महीने में ये रिवायत पढ़ता हूँ लेकिन आज माह रमजान की 9 है, शब 10वीं की है, ये सुन लीजिए कि जब जनाब सैयदुश्शहदा के सर अकदस को ले जाया जा रहा था, नेजे पे सर बुलंद था और उसे मुख्तलिफ मकामात से फिराया जा रहा था, जब हलब के मकाम पे ये सर अकदस पहुंचा तो वहां एक ईसाई का दैर था, राहिब वहां मौजूद था, उसने देखा कि कुछ सर लाए गए हैं तो कुछ कातिल मलऊनों ने कहा उससे कि हमें कुछ देर के लिए ये सर यहाँ किसी मकाम पे, सर ने कहा ये संदूक छुपाने दे। उसने कहा कि हमारे जो किलीसा है चर्च है ना, ये जो गिरजा घर, इसके अंदर फला कमरा है हुजरा है वहां रख दो। उन्होंने रखा और सब चले गए, चर्च को बंद कर दिया। वो राहे बंदर रहता था, रात को उसके कानों में रोने की आवाज आ, कुछ बीबियां रो रही हैं। अब मैं सब बीबियों के नाम नहीं बताऊंगा, रोजे की हालत में हूं, चंद बीबियों के नाम सुन लीजिए। मिनल मदीना से इलल मदीना, 6 जिल्दों में मक्तल है मौला हुसैन का, उसकी जिल्द नंबर 4 के अंदर लिखा है कि वहां चंद बीबियां बैठ के रो रही थी, राहिब के कानों में रोने की आवाज आई, वो उठा और आने के बाद देखा कि उस हुजरे में जहां संदूक रखा गया था आग लगी हुई है। मेरी तरफ देखिएगा, राहिब ने जर्फ उठाया पानी का, आग बुझाने आया, जब आग बुझाने आया उसने देखा आग नहीं है नूर है। उसने कहा रात का वक्त है, इतना नूर है लगता है आग लगी हुई है। मेरी तरफ देखिएगा, उस राहिब ने पानी रख दिया और फौरन हुजरे का दरवाजा खोला। उसने देखा जैसे ही दरवाजा खोला तो अनवार है और वो अनवार चादरों में है, सब अनवार जा रहे हैं।
वो समझ गया ये कोई पाक बीबियां हैं जो बहुत पर्दादार हैं, मेरे आने पे चली गई हैं। एक मर्तबा राहिब आगे बढ़ा, उसने वो संदूक खोला जिसके चारों तरफ वो बीबियां रो रही थी। अगर देख सके तो देखिएगा, एक मर्तबा उस राहिब ने संदूक खोला, देखा उसमें एक सरे मुकद्दस है, एक सरे अकदस रखा है, उसके चेहरे पे खून है, दाढ़ी खून में भरी हुई है। उस राहिब ने वो सरे अकदस उठाया, अपने उस किलीसा के चर्च के एक पत्थर पे रखा और पानी डालना शुरू किया। आज भी जब आप जाएंगे ना, मैंने खुद ज़ियारत की है, लगता है ताजा खून बह रहा है। मैंने हाथ भी लगाया, मेरे लिए उन्होंने जरी को खोला था, जब मैंने बोसा दिया मैंने हाथ लगा के देखा खून नहीं है, लेकिन लगता है ताजा खून जारी है। क्यों? सरे हुसैन रखा गया था, उसने पानी डाला, खून बहने लगा। एक मर्तबा उसने रो के कहा, राहिब ने, आप कौन हैं, अपना तारुफ करवाइए। एक मर्तबा सर से आवाज आई, मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मैं अली का बेटा हुसैन हूं, मेरे नाना रसूल खुदा हैं, मैं रसूल खुदा का नवासा हूं। वो राहिब रोने लगा, कहा मोहम्मदों के जो रसूल नबी थे, कहा वो मेरे नाना हैं। एक मर्तबा रो के कहने लगा, ये जो बीबियां आपके चारों तरफ रो रही थी ये कौन थी? सर के आंखों से आंसू बहने लगे और रो के फरमाने लगे, उनमें एक मेरी माँ फातिमा थी, एक मरियम ईसा की माँ थी, कुछ नाम बचाए बस भाई, उनमें कोई सारा थी, कोई हाजरा, कोई आसिया, कोई हवा, चार या सात बीबियों के नाम बताए। राहिब रोने लगा, कहा आप कौन हैं? कहा मैं हुज्जत खुदा हूं। उस राहिब ने कहा ला इलाहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे ही उसने कलमा पढ़ा, एक मर्तबा कहा मैं ये सर ले जाने नहीं दूंगा, मुझे नहीं पता था। उन्होंने उसका वहीं कत्ल कर दिया। कहा मैं सर शाम ले जाना है, यजीद हमें इनाम देगा, मैं हाथ जोड़ के कहूंगा। जरा एक ईसाई को देखिए, जब वो सर की जियारत कर ले तो कलमा पढ़ लेता है, ये कैसे कलमा गोच है, सर को पत्थर भी मारते रहे। मैं हाथ जोड़ के आखिरी जुमला पढ़ने वाला हूं, मैं जानता हूं आप में से अक्सर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं भी सैयद हूं लेकिन ये जुमला पढ़े बगैर नहीं रहूंगा। सबसे दरखास्त है मेरी तरफ देखिएगा, जब वो सर पे पानी डाल रहा था ना मौला हुसैन के, चेहरे से खून भी बह रहा था और कुछ बाल उतर रहे थे। उसने कहा क्या बात है, ये बाल क्यों उतर रहे? का उस मलून ने मेरे बालों में